और बात लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। नदवा कॉलेज के छात्रों ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी की इस खबर के बाद वहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। नदवा कॉलेज के छात्रों की तरफ से यह पत्थरबाजी होने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस फोर्स पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं, जिसके बाद स्थिति गंभीर होती हुई नजर बनी हुई है पुलिस की। एस के वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वाजपेयी, क्या है अपडेट? बाहर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन उनको कोशिश कर रहा है समझाने की कि आप परिसर में जाएं, नारेबाजी ना करें, सड़क जाम ना करें, लेकिन बावजूद इसके छात्र अंदर जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस ने कॉलेज प्रशासन के साथ भी बात की थी, जिसके बाद छात्रों को समझाया बुझाया गया, उनको परिसर के अंदर करा दिया गया, लेकिन उसके बाद अंदर से बाहर पत्थर फेंके जाने लगे। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में फोर्स मौजूद है। जब फोर्स आगे की तरफ बढ़ा है तो कहीं ना कहीं छात्र जो अराजक छात्र थे, जो कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, फिलहाल उनको डिटेन किया जा रहा है। अब वो भाग जरूर गए हैं, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस के कैमरामैन और बाकी लोग भी वहां मौके पर हैं, वो डिटेन करने की कोशिश हो रही है कि इन छात्रों के बीच में वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना जरूर है। नदवा से जहां रात में प्रदर्शन होता है और समझाने बुझाने के बाद वो मानते हैं, फिर सुबह से प्रदर्शन वहां पे चल रहा है। कहीं ना कहीं जब कॉलेज प्रशासन के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर बात कर रहे थे, और उसके बाद कॉलेज के अंदर परिसर में सभी छात्रों को वापस कर दिया गया था, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व तो जरूर उसके बीच में रहे होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अंदर से पत्थर फेंके हैं। जी बिल्कुल वाजपेयी, यानी कि जिस बात की आशंका थी वही हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये माहौल जरूर है, क्योंकि कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो कॉलेज की आड़ में कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोग डिटेन होने चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो जामिया यूनिवर्सिटी ने भी साफ किया था, वहां के छात्र संगठनों ने भी साफ किया था कि जो भी हिंसात्मक प्रदर्शन वहां पे हुए हैं उसमें उनके छात्र नहीं थे। तो अगर हम नदवा कॉलेज की बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को डिटेन किया जाना चाहिए जो छात्रों की आड़ में, कॉलेज की आड़ में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करते हैं या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन ये बताया कि छात्रों की तादाद कितनी बताई जा रही है जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जिन्होंने पत्थरबाजी की? बिल्कुल, अगर हम देखें कहीं ना कहीं करीब 500 से 700 की संख्या में छात्र है, क्योंकि नदवा बड़ा कॉलेज है, बड़ी संख्या में छात्र वहां पे पढ़ते हैं, और सभी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन बावजूद इसके कुछ अराजक तत्व तो ऐसे जरूर हैं जो कहीं ना कहीं कॉलेज का नाम लेकर स्टूडेंट्स के बीच में शामिल होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो करीब 400 से 500 छात्र अभी मौजूद हैं। फिलहाल ज्यादातर छात्रों को परिसर के अंदर करा दिया गया है, नदवा कॉलेज से बाहर उनसे कहा गया है कि वो ना रहे, वो अंदर रहे और किसी तरीके की नारेबाजी, भड़काऊ बयानबाजी या फिर पत्थरबाजी ना करें, अन्यथा प्रशासन को मजबूर होकर कठोर कदम उठाने होंगे। तो निश्चित है अब देखना ये होगा कि जब पुलिस तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ही रही है, ऐसे में वाजपेयी कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक कॉलेज प्रशासन ने अपनी आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने छात्रों को समझाने का काम जरूर किया था और कोशिश की थी कि छात्र सड़क पर ना रहें, कॉलेज के सामने की सड़क को जाम ना करें और परिसर के अंदर रहें और अपनी बात को अहिंसात्मक तरीके से रखें, जो कि लोकतांत्रिक तरीका है उसके अनुसार अपनी बात रखें, कहीं भी कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे माहौल बिगड़ सकता हो। तो निश्चित तौर पर कॉलेज प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बयान तो नहीं जारी किया है, लेकिन ये जरूर है, कोशिश की है कि किस तरीके से छात्रों को समझाया जाए और कहीं भी कोई ऐसी घटना ना होने दी जाए जिससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हो। जी बिल्कुल वाजपेयी, ये बताएं जिस समय ये छात्र वहां पर एकत्रित हुए थे, क्या इनकी उस समय चेकिंग नहीं की जाती है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, किसी संबंधित अधिकारी की तरफ से, कि क्या इनके पास कुछ ऐसे सामान तो नहीं है जिससे प्रदर्शन को उग्र बनाया जा सके, इनके पास बड़े बड़े पत्थर तो मौजूद नहीं है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता?
बिल्कुल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नदवा कॉलेज है, एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा नाम है और प्रदेश और साथ ही साथ प्रदेश के बाहर के भी छात्र वहां पर पढ़ते हैं। बड़ी संख्या में छात्र वहां है, अगर हम कहें तो 4 से 5 हजार छात्र करीब इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल परिसर जो बने हुए हैं उसमें रहते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं लेकिन लगातार आगे नियमित तौर पर आते जाते हैं, तो एक बड़ी संख्या जरूर होती है। तो हर छात्र को चेक करना उसके पास क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल उसके पीछे बेहद जरूरी भी हो जाता है। चलिए वाजपेयी आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ घटना स्थल से नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, जिस बात की आशंका थी वही हुआ, प्रदर्शन कर रहे थे छात्र और फिर पत्थरबाजी पर उतारू हो गए, क्या नदवा कॉलेज प्रशासन ये सिखाता है अपने छात्रों को? हम नदवा कॉलेज के बाहर की बात करें तो जबरदस्त पथराव किया गया है छात्रों के द्वारा, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तमाम बड़े बड़े पत्थर अंदर से फेंके गए हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नदवा कॉलेज के अंदर से छात्रों ने ये पत्थर बरसाए हैं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सुबह से ही नदवा कॉलेज के छात्र कर रहे हैं उसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। जब नदवा कॉलेज के छात्रों के द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया तो उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं नदवा कॉलेज के छात्र, जिसको देखते हुए और भी पुलिस बल बुलाया गया है, आरएफ की टीम बुला ली गई है। अब निलेश, सवाल तो यही उठता है कि प्रदर्शन करना है तो ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए ना, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर प्रदर्शन कीजिए, पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है? यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर नदवा कॉलेज प्रशासन का फेलियर इसे कहा जा सकता है, प्रशासन नाकाम रहा है कॉलेज का छात्रों को कंट्रोल करने में। जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, नदवा कॉलेज का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जब नदवा कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उसका बड़ा व्यापक रूप देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार नदवा कॉलेज के छात्रों ने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं, उसके अलावा तमाम हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लगातार इन ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है कॉलेज प्रशासन, जिसके चलते कॉलेज के अंदर छात्र, उसके बाद जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है या भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है तो उनके ऊपर पथराव किया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की नाकामी है या कॉलेज प्रशासन छात्रों को और आगे बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से अलीगढ़ का मामला निकल कर सामने आया, उसके बाद आज लखनऊ में नदवा कॉलेज का मामला निकल कर सामने आया, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े ईंट फेंके गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, तमाम जो है सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अब लगातार ये विरोध बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आपको विरोध करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से छात्र उग्र हुए हैं और उन्होंने पत्थरबाजी की है तो निश्चित रूप से कॉलेज प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कॉलेज कैंपस के अंदर इतने भारी मात्रा में पत्थर कैसे इकट्ठे किए गए, ईंटें कैसे इकट्ठी की गई, आखिर वो चाहते क्या है, किस तरीके से उनके छात्रों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, लगातार छात्र थोड़ी थोड़ी देर में उग्र होकर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या नदवा कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहां पर छात्रों के आसपास मौजूद नहीं है उन्हें समझाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें थामने के लिए? अगर हम छात्रों के बीच प्रशासन की बात करें, नदवा कॉलेज के प्रशासन की बात करें तो उसमें पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी अभी तक नदवा कॉलेज का प्रशासनिक अधिकारी बाहर नहीं आया है, क्योंकि डीएम और एसएसपी भी लखनऊ यहां पर मौजूद है, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। अगर कॉलेज प्रशासन नहीं चाहता है कि पत्थरबाजी हो या फिर शांतिपूर्ण ढंग से छात्र विरोध करे तो आखिर अभी तक कोई कॉलेज प्रशासन का अधिकारी बाहर निकलकर किसी अधिकारी से मिलने क्यों नहीं आया? लगातार हंगामा चल रहा है कॉलेज के गेट के बाहर और भारी पुलिस बल भी तैनात है। देखने वाली बात यह होगी कितनी देर और ऐसे ही पत्थरबाजी होती है और कितनी देर ऐसे ही छात्र हंगामा करेंगे, क्या कोई कॉलेज का जिम्मेदार अधिकारी बाहर निकलकर किसी अधिकारी से बात करने का प्रयास करेगा? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं नदवा कॉलेज के ऊपर। यानी कि इस प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर नदवा कॉलेज प्रशासन की सहमति कही जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित होती चली जाती है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि गंभीर स्थिति होती जा रही है, यहाँ पर अगर लाठीचार्ज यहाँ पर हो जाता है, छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ जाता है, तो भी क्या नदवा कॉलेज प्रशासन के अधिकारी सामने नहीं आएंगे? तब भी क्या अंदर कमरों में ही बैठे रहेंगे? नीलेश जी, सवाल दोहरा दें। नीलेश, सवाल ये उठता है कि अगर यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, स्थिति अधिक अनियंत्रित ना हो जाए इसके मद्देनजर, तो क्या तब भी छात्रों को बचाने के लिए या फिर छात्रों को समझाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए नदवा कॉलेज प्रशासन के अधिकारी बाहर नहीं आएंगे? तब भी क्या अपने कमरे में बैठे रहेंगे अंदर? जी देखिए, अगर अभी तक की हालातों की अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस
बल जो यहाँ पर तैनात है, आरएसपी टीम यहाँ पर तैनात है, लगातार छात्रों के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी की, कई पुलिसकर्मी घायल हुए उसमें, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है पुलिस लगातार छात्रों के साथ कॉपरेट कर रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक लाठीचार्ज नहीं किया है, कोई बल का प्रयोग नहीं किया है और छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं। तो ऐसे में कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि वो बाहर निकल कर आए, अधिकारियों से बात करें या छात्रों से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ऐसे ही पुलिस लगातार जो है पत्थर खाती रहेगी और कब तक ऐसे निलेश, दिल्ली में घटी घटना के बाद, दिल्ली में हुई हिंसा के बाद तमाम लोग शांति की, सौहार्द की बार बार अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की अपील जनता से की है, तमाम छात्रों से की है, तमाम प्रदर्शनकारियों से की है, लेकिन उस अपील का कहीं भी कुछ भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार सौहार्द बनाए रखने की बात करते हैं, तमाम अन्य संगठन भी सौहार्द बनाए रखने की बात करते हैं, ऐसे में जब यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, राजधानी लखनऊ के अंदर पत्थरबाजी हुई है, तो आखिर क्या संदेश देना चाहता है नदवा कॉलेज का प्रशासन और यहाँ के छात्र? क्या पूरे उत्तर प्रदेश को इस आग में झोंकना चाहते हैं नदवा कॉलेज के छात्र? तो निश्चित रूप से ये बड़ा माहौल खराब करने वाला मामला सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने पत्थर फेंके हैं, बड़े बड़े ईंट फेंके हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नदवा कॉलेज के छात्र पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तस्वीरों में साफ होगा। बिल्कुल, स्थिति यहां तक पहुंची है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कॉलेज प्रशासन को छात्रों को प्रदर्शन करने की इजाजत ही नहीं दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय जो माहौल बना हुआ है, इस समय जो दिल्ली से खबरें निकलकर सामने आ रही है, पूर्वोत्तर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में गलती यहां पर सीधे तौर पर, लापरवाही यहां पर सीधे तौर पर कॉलेज प्रशासन की कही जाएगी। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कॉलेज प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अगर उनको अपने छात्रों के ऊपर उनका अंकुश नहीं है, उनके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से हजारों की संख्या में कॉलेज की गेट के अंदर पुलिस ने उनको पहुंचाया है, हजारों की संख्या के साथ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अगर कॉलेज प्रशासन चाहता है और कॉलेज के अंदर के मौलाना जो है वो चाहते हैं कि छात्र नियंत्रित रहे और अनुशासन में रहे, तो उनको निकलकर सामने आना पड़ेगा और इन छात्रों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से छात्र रात से ही डीपीओ पर पहुंच गए थे, गांधी प्रतिमा पर पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको वहां से धकेड़ा, उसके बाद सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन इन्होंने चालू कर दिया और अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने पथराव किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या मौलाना की बात नहीं सुन रहे कॉलेज के जो छात्र हैं या प्रोफेसर जो कॉलेज में इन छात्रों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, क्या उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर वो सब जानते हुए निशांत बैठे हुए चुप बैठे हुए हैं, या खुद वो चाहते हैं कि छात्र उग्र हों और कोई बड़ा बड़ी घटना को अंजाम दे? ऐसे में तमाम बड़े गंभीर सवाल नदवा कॉलेज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर सवाल नदवा कॉलेज प्रशासन के ऊपर यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं। नीलेश चौहान, आप हमारे साथ बने रहे घटनास्थल पर, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लगातार बने हुए, लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे हुए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ही एसके वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, आज ही मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह से। ओपी सिंह को साफ कहा, साफ निर्देश, सख्त निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए कि प्रदर्शनकारी अगर उग्र होते हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां पर नदवा कॉलेज के बाहर पुलिस पर पत्थरबाजी तक की गई, बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, पुलिस के हाथ बंधे हुए से नजर आ रहे हैं, क्या कहा जाए? लगता है वाजपेयी से संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, अगर आपने सवाल सुना हो तो क्या कहा जाए, क्या जवाब दिया जाए? पुलिस कर्मियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, डीएम लखनऊ को भी दिशा निर्देश जारी हैं, एसपी लखनऊ को भी दिशा निर्देश जारी हैं, जिसके चलते पुलिस बल खामोश खड़ा हुआ है। लगातार जो ईंट पत्थर उनके ऊपर फेंके गए हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरा कॉपरेट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन छात्र जिस तरीके से उग्र है तो कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में नदवा कॉलेज आता है। यहाँ के प्रोफेसर आते हैं, यहाँ के मौलाना आते हैं, आखिर उनका नियंत्रण अपने छात्रों के ऊपर क्यों नहीं है? अगर हम नदवा कॉलेज की बात करें तो नदवा कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, यहाँ पर पूरे देश के छात्र तो आते ही आते हैं, साथ ही विदेशी छात्र भी यहाँ पढ़ने में आते हैं। ऐसे में लखनऊ के अंदर जब ये बवाल होगा तो कहीं ना कहीं जो दूसरे मुस्लिम कॉलेज हैं लखनऊ के आसपास या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इन छात्रों ने एक गलत संदेश देने का प्रयास किया है, जिस तरीके से पत्थरबाजी की है। अभी तक हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी, वहां से साफ तौर पर जब पत्थरबाजी हुई तो उसके बाद तमाम लोगों ने बड़े बड़े
बात कही कि ऐसे में धार्मिक सौहार्द को बरकरार रखते हुए शांति व्यवस्था को कायम रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी यही कहता है। लेकिन जिस तरीके से आज जो है छात्रों ने अशांति यहाँ फैलाई है, पत्थरबाजी की है, तो कहीं ना कहीं नदवा कॉलेज के प्रशासन के ऊपर बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। आखिर क्यों वो अपने छात्रों को शांत कराने में नाकाम है? आखिर क्या वो निलेश ये बताए कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या इन छात्रों की तरफ से आज पहली दफा प्रदर्शन किया गया या फिर इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं? देखिए नागरिक संशोधन बिल को लेकर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इन छात्रों ने प्रदर्शन किया है और देर रात को ये डीपीओ पहुंचे थे जहां पर पुलिस बल पहले से मुस्तैद था, इनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया क्योंकि डीपीओ गांधी प्रतिमा जहां पर वहां पर पहले से ही हाईकोर्ट के निर्देश है कि यहां पर कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकता है। बावजूद उसके नदवा कॉलेज के छात्र वहां पहुंचे थे तो पुलिस ने इनको वहां से वापस भेज दिया, जिसके बाद ये वापस कॉलेज आकर यहां पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे और अभी कुछ देर पहले इन्होंने पत्थरबाजी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का अगला कदम क्या होगा, क्या ऐसे ही वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करें, अपनी मांगों को रखें, लेकिन वो जिस तरीके से उग्र होकर ईंट फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जिसमें तमाम आने जाने वालों को भी नुकसान पहुंच सकता है, वहां जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे में कॉलेज प्रशासन को निकलकर सामने आना चाहिए, छात्रों को समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नीलेश, ये बताए कि जिस समय सुबह इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिस समय छात्रों का वहां पर एकत्रित होने का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी छात्रों से बातचीत हो पाई हो, उनके प्रदर्शन की रणनीति को लेकर बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना था उस दौरान और उसके बाद फिर क्यों आखिरकार इस मोड़ तक ये प्रदर्शन आ पहुंचा? नदवा कॉलेज के छात्रों से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन नदवा कॉलेज के जो छात्र थे उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करने से मना करते हुए उनको कवरेज करने से भी मना किया, लेकिन नदवा कॉलेज जहां पर बना हुआ है उसके ऊपर से एक बंधा निकलता है, उसके ऊपर से मीडिया कर्मियों ने अपनी कवरेज की और नीचे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, अगर आपको प्रदर्शन करना है, आप कोई मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कॉलेज प्रशासन को साथ में रखना होगा या जो उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनसे आपको बातचीत करनी होगी, लेकिन यहां पर बातचीत करता हुआ कोई नजर ही नहीं आ रहा। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, कॉलेज के छत के ऊपर छात्र खड़े हुए हैं, नीचे छात्र खड़े हुए हैं, गेट के आसपास खड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे छात्र खड़े हुए हैं, तो ऐसे में कॉलेज प्रशासन को ही निकलकर सामने आना पड़ेगा, छात्रों को सामंजस्य बनाए रखने के लिए, अधिकारियों से बात करने के लिए उनको कदम उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता है। फिलहाल अगर इस समय की हम बात करें तो पुलिस बल भारी संख्या में मुस्तैद है और गेट को कॉलेज के बंद कर दिया गया है, छात्रों को अंदर बखेड़ दिया गया है और छात्र अभी भी गेट के आसपास भटक रहे हैं, छतों पर तैयार हैं। आखिर अगली तस्वीरें क्या कुछ होने वाली है यहाँ पर कुछ घंटों के अंदर, ये भी देखने वाली बात होगी। यानी कि नीलेश, छात्र यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, अगर छात्रों के ऊपर बल प्रयोग होता है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसे में कहा जाए इन तमाम छात्रों के बीच, इस पूरे प्रदर्शन के बीच क्या छात्र नेता भी ऐसे कुछ होते हैं वहां पर जो भड़काने का काम करते हैं, छात्रों को उकसाने का काम करते हैं? फिलहाल अगर हम यहाँ पर छात्र चुनाव की बात करें या छात्र नेताओं की बात करें तो लखनऊ के अंदर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने बैन लगाया था, मायावती सरकार में बैन लगाया था, उसके बाद से यहाँ पर कोई छात्र चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छात्र चुनाव को बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई छात्र चुनाव नहीं था। नदवा कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी छात्रों का नेता नहीं है, सारे छात्र हैं और लगातार वो छात्र ही प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ नाम की यहाँ तक अभी तक यहाँ पर कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब जब हाईकोर्ट के निर्देश जारी हुए उसके बाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं ये। चलिए नीलेश, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर आप देख सकते हैं, नदवा कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स पर छात्रों के द्वारा पत्थर तक फेंके गए हैं। एक तरफ तो तमाम लोगों की तरफ से, तमाम बड़े चेहरों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो, शांति की सौहार्द की अपील की जा रही है, ट्विटर के जरिए भी अखिलेश यादव हो, मायावती हो, प्रियंका गांधी हो, कह रहे हैं कि अमन चैन बनाए रखे, सौहार्द का माहौल बनाए रखे, लेकिन लगता है कि इस तरह की किसी भी अपील का कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ यही कह रही है। अगर ऐसा होता
तो पत्थरबाजी तक की यहां पर नौबत नहीं आती, पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने है, बड़ी बड़ी ईंटें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर आप सड़क पर पड़े हुए देख सकते हैं। कुछ इन्हीं ईंटों के साथ, इन्हीं पत्थरों के साथ पुलिस पर हमला बोला गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और सभी छात्र बताए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि छात्र संगठन नहीं है, मात्र छात्र ही है ये, कोई छात्र नेता इसमें मौजूद नहीं है, बावजूद इसके स्थिति यहां तक आन पहुंची है, इतनी भड़क उठी है। चलिए इस खबर पर पर्पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।